विकास और दीपिका पादुकोण अपनी आने वाली फिल्म कल्कि 2898 AD को लेकर लगातार चर्चा में बने हैं। ये साल की कुछ बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। इस साइंस फिक्शन फिल्म में इंडियन माइथोलॉजी और सुपर हीरो वाले कॉन्सेप्ट को मेकर्स कैसे इस्तेमाल करेंगे, दर्शक ये देखने के लिए उतावले हैं। बॉलीवुड और साउथ स्टार से सजी ये साइंस फिक्शन फिल्म 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, मगर कहा जा रहा है कि फिल्म की रिलीज डेट को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। साउथ की मच अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 AD का दर्शक पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। बता दें, फरवरी 2020 में फिल्म की घोषणा की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते फिल्म बनने में देरी हो गई। फिल्म की रिलीज डेट भी 2 बार बदल दी गई है। इन दिनों चर्चा हो रही है कि एक बार फिर फिल्म की रिलीज डेट खिसक सकती है। कल्कि 2898 AD एक आगामी 2024 भारतीय महाकाव्य विज्ञान कल्पना पर आधारित फिल्म है, जो हिंदू धर्म ग्रंथों पर रचित है और 2898 ईस्वी में सर्वनाश के बाद की दुनिया पर आधारित है। यह फिल्म नाग अश्विन द्वारा निर्देशित और वैजयंती मूवीज के तहत सी अश्वनी दत्त द्वारा निर्मित है। साल 2020 में जब कल्कि 2898 AD की अनाउंसमेंट हुई थी, तब कहा गया था कि मूवी 2022 में बड़े पर्दे पर उतरेगी, लेकिन लॉकडाउन के चलते शूटिंग पूरी नहीं हो पाई थी। फिल्म को जनवरी 2024 में रिलीज करने की तैयारी की गई थी, लेकिन किसी वजह से फिल्म सिनेमाघरों में आते आते रह गई। आखिर में कल्कि 2898 AD की रिलीज डेट 9 मई 2024 रखी गई, लेकिन लगता है कि दर्शकों को इंतजार और करना पड़ेगा। फिल्म 9 मई को भी थिएटर में नहीं आ पाएगी। फिल्म में प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हसन मेन लीड रोल में दिखेंगे। हाल ही में नाग अश्विन एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि फिल्म की शुरुआत महाभारत काल से होगी और 2898 में खत्म होगी। बता दें कि कल्कि 2898 AD से पहले इसका खास एनिमेटेड वर्जन OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाला है।